हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे नीट 2023 की सभी स्टेट्स की कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है, और 300 से 400 नंबर है तो आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, उन कॉलेजेस की लिस्ट भी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और NMC बिल लागू होने पर कट ऑफ कितनी कम हो जाएगी, जैसा कि बिहार के अंदर NMC बिल अब की बार से ही लागू हो गया है, बाकी स्टेट्स में कब होगा, और अगर हो जाएगा तो कट ऑफ में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सभी स्टेट्स की कट ऑफ बताता हूं, और उसके बाद दोस्तों अगर आपके 300 से 400 नंबर हैं, आपको MBBS करनी है तो आपको किन कॉलेजेस में काउंसलिंग करवानी चाहिए, जहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सभी स्टेट्स की कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बिहार स्टेट की, जहां पर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। जनरल कैटेगरी कट ऑफ की बात करूँ तो 616 कट ऑफ रहती है, OBC के अंदर 605, EWS के लिए 610, SC में 446 और ST कैटेगरी में 434, PWD में 160। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों नीट 2023 के लिए बिहार स्टेट की। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की। जनरल कैटेगरी के लिए 576 कट ऑफ रहती है, SC कैटेगरी के लिए 410 और PWD के लिए 150 की कट ऑफ वहाँ पर रहने के चांसेस है। गुजरात की बात करूँ तो 575 जनरल कैटेगरी से काफ़ी यहाँ पर भी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, OBC 546, EWS 572, SC कैटेगरी 480 और ST के लिए 312। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलेज जहाँ पर कम नंबर में एडमिशन हो सकता है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक बार आप चैनल जो है टेलीग्राम का उसे सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। इसके बाद दोस्तों गोवा के अंदर कंपटीशन कम है, छोटा सा स्टेट है दोस्तों, कट ऑफ भी कम ही रहती है, 518 के आसपास जनरल कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। OBC की बात करूँ 382 में, EWS 454, SC कैटेगरी में 250 और ST कैटेगरी में 285। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों असम की। असम के अंदर आपका अगर जनरल कैटेगरी स्कोर 534 बन रहा है तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेज है। OBC में 462, EWS में 528, SC कैटेगरी में 446 और ST में 378 और PWD में 140। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम हरियाणा की। आप सभी जानते हैं हरियाणा के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी वहाँ पर हैं, और जनरल कैटेगरी में बात करूँ 613 के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ रहती है, काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ रहती है। OBC की बात करूँ तो 605 से 585 भी रह जाती है कई बार दोस्तों, क्योंकि लास्ट ईयर जो कॉलेज अलॉट हुआ था 585 के ऊपर हो गया था। EWS की बात करूँ दोस्तों 612 के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है, SC कैटेगरी में 506, ST में 434 और PWD में 165 के अराउंड कट ऑफ यहाँ पर रहने के चांसेस है। हिमाचल की बात करूँ तो 512 जनरल कैटेगरी, OBC 505, EWS 471, SC कैटेगरी 467, ST में 449 और PWD में 132। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका के अंदर जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 545-50 के अराउंड आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेज है। SC और ST के लिए 470 और 500 के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ रहती है। J&K जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात करूँ तो 520 जनरल कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं और बॉर्डर के इलाके में दोस्तों कंपटीशन कम रहता है, 520 के अराउंड कट ऑफ रहती है। OBC 489, EWS 410, SC 402, ST 360 और PWD 218। इसके बाद मैं बात करता हूँ केरला की। तो केरला के अंदर दोस्तों जनरल कैटेगरी 628 काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। आप सभी जानते हैं कि साक्षरता दर जो है केरला की सबसे ज़्यादा है, इसलिए कंपटीशन दोस्तों केरला के अंदर बहुत ही ज़्यादा रहता है। जनरल कैटेगरी 628 का, SC कैटेगरी में 430 और ST में 330 और PWD में 140। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान के अंदर भी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई जाती है, उसका रीजन भी आप जानते हैं, कंपटीशन सबसे बड़ा वहाँ का रीजन है। 636 जनरल, OBC 634, EWS 634, तीनों कैटेगरी की आप कट ऑफ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हाई है। SC कैटेगरी 535, ST की 525, PWD की 141। इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की। 512 जनरल कैटेगरी, OBC 525, SC कैटेगरी 453 और ST की 422। यूपी की बात करूँ तो 605 जनरल कैटेगरी, 599 OBC कैटेगरी, EWS 599, SC कैटेगरी 455, ST के लिए 240 और PWD के लिए 133 की कट ऑफ यहाँ पर रहने के पूरे चांसेस हैं।
उत्तराखंड और तमिलनाडु की बात करूँ, दोनों एक जैसी स्टेट है, एक जैसी कट ऑफ ज्यादा कर यहाँ पर रहती है, 570 से 590 के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ रहती है, 552 और 545 ओबीसी के लिए, DWS के लिए उत्तराखंड में 534, SC कैटेगरी के लिए उत्तराखंड और तमिलनाडु में 400 और 453, ST के लिए 289 और 317, PWD के लिए उत्तराखंड में रहती है 155 नंबर की कट ऑफ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम वेस्ट बंगाल की, क्योंकि वेस्ट बंगाल से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो डिमांड कर रहे थे सर हमें कट ऑफ प्रोवाइड करवाई, क्या इतने नंबर मेरा एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो दोस्तों कट ऑफ जो है लिटल बिटल हाई रहती है, 576 जनरल कैटेगरी से आपका स्कोर होना चाहिए, ओबीसी के मैं 578 के रहा हूँ, EWS 577, SC कैटेगरी 470, ST के 260, PWD 122 की कट ऑफ रहने की उम्मीद यहाँ पर होती है। त्रिपुरा की बात करूँ 478 की जनरल कट ऑफ रहती है और 464 ओबीसी, 454 EWS, SC कैटेगरी 409 और 399 ST कैटेगरी। चंडीगढ़ दोस्तों पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी दोस्तों चंडीगढ़, 574 जनरल कैटेगरी के, SC कैटेगरी 404 और PWD 148। महाराष्ट्र की बात करूँ तो 558 जनरल कैटेगरी, 557 ओबीसी, 557 EWS, 467 SC कैटेगरी और ST 349 और 123 PWD में। बात करते हैं दोस्तों MP की, तो 557 जनरल कैटेगरी से यहाँ पर जो है आपको एडमिशन मिलता है, उड़ीसा में 596 और पंजाब के अंदर 575। तो दोस्तों ये हमने जो है कट ऑफ देखी है। तो दोस्तों सभी स्टेट्स की कट ऑफ हमने देख ली है, अब बात करते हैं अगर आपके नंबर 300 से 400 के इन बिटवीन आ रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कॉलेज है आप देख सकते हैं भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज पुणे के अंदर, ये कॉलेज है दोस्तों बहुत ही अच्छा है, अगर आपके 300 से 400 के बीच में नंबर है तो यहाँ पर कट ऑफ इतनी ही रहती है। उसके बाद नंबर सेकेंड पर है दोस्तों महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च मुलाना के अंदर है दोस्तों ये, फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड SUM हॉस्पिटल भुवनेश्वर, MGM मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज दोस्तों, MGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नावी मुंबई के अंदर भी है, श्री BM पाटिल मेडिकल कॉलेज विजयपुर, इसके बाद है नेक्स्ट श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर, श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, येनापोवा मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। तो ये 9 कॉलेज की लिस्ट जो मैंने आपको दी है दोस्तों, दीज अबो मेडिकल कॉलेजेस लास्ट ईयर एक्सेप्टेड नीड यू दिस स्कोर बिटवीन 300 to 400, सो दिस ईयर ऑल्सो दीज कॉलेजेस आर एक्सपेक्टेड टू डू द सेम। दोस्तों अगर आपके 300 से 400 के बिटवीन नंबर आ रहे हैं तो आपको इन कॉलेजेस के अंदर काउंसलिंग अपनी जरूर करवानी चाहिए अगर आप MBBS करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।